जनपद में 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस की सभी तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके लिए 75 से अधिक साइट पर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जेल, वी पार्क, टीडीयू, MMTU सहित बड़े संस्थाओं में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर, नौकायन जेट्टी पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी लोगों को पंजीकृत कर लिया गया है। कल सुबह 6 बजे तक सभी लोग ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एकत्र होंगे। 6:40 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस पर देश को संबोधित करेंगे तथा 7 बजे से 7:45 तक योग का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए लिंक शेयर कर दिया गया है। उसके बाद योग समापन के बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में 8 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, इसलिए सभी लोग योग में भाग जरूर लें, क्योंकि योग करने से सभी लोग निरोग रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और हमारे जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाना है, उसके लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। हमारे जनपद में 75 से अधिक साइट्स पर बड़े योग कार्यक्रम हो रहे हैं। जितने भी संस्थान हैं, जैसे जेल है, एम्स है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, डीडीयू है, एमएमटीयू है, सभी बड़े बड़े संस्थानों में वृहद स्तर पर उन्होंने अपने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। हमारे स्तर पर जो राज्य शासन के स्तर पर है, वो महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, दूसरा गोरखनाथ मंदिर में आयोजित किया जा रहा है और तीसरा नौकायन में जो बोट जेट्टी है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी लोगों को पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य अतिथि कौन होंगे वो डिसाइड कर लिया गया है। कल सुबह 5:30 पर सभी लोग वहाँ पर एकत्र होंगे। 5:30 से 6 बजे तक एकत्र होना है। 6 से 6:40 तक स्थानीय स्तर पर एक प्रकार की गाइडलाइन हो जाएगी कि कैसे योग किया जाना है और स्थानीय वक्ता जो भी होगा वे लोगों को संबोधित करेंगे। 6:40 से 7 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को योग दिवस पर संबोधित किया जाएगा और 7 से 7:45 तक योग का कार्यक्रम होगा और उसका लिंक हमने सभी को शेयर कर दिया है। YouTube पे वो उपलब्ध है। लोगों को अपनी एक प्रारंभिक तैयारी कर लेनी होगी और जो लोग योग करते हैं वो निश्चित रूप से अच्छे से कर पाएंगे। योग का जो समापन होगा उसमें राष्ट्रगान होगा। 7:46 पर राष्ट्रगान के साथ योग का कार्यक्रम समाप्त होगा। सर, इसमें कुछ सीमा भी निर्धारित, कितने लोग शामिल होंगे? ये तो सबके लिए है। अभी हमारे जनपद में 8 लाख लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये तो योग तो सबके लिए है। जो योग करेगा वो निश्चित रूप से निरोग रहेगा, तो ये सभी के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है कि वो लोग योग के कार्यक्रम में अवश्य पार्टिसिपेट करें।